ये हर 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 महादेव। देवघर आइए भैया, आपका मोस्ट वेलकम है और स्टोरी एक बार जरूर लगाइएगा। अभी दोस्तों सर के द्वारा जो है 5 मिलियन का केक काटा गया है और ये देखिए चलिए जय हिंद जय भारत बाय बाय। चलिए सो हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जसीडीह जंक्शन और यहां से आज हम लोग का जर्नी होने वाला है जसीडीह जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक और दिखाएंगे इसके बीच में जो है किस प्रकार हम लोग का यात्रा होगा ट्रेन से। फिलहाल अभी ट्रेन आने वाली है और आपको दिखाते हैं हम लोग का जो है जर्नी होगा रांची दुमका इंटरसिटी से जो कि अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचने वाला है। देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो अंत तक और देखते रहिए। चलिए तो फाइनली दोस्तों ये ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग का जो जर्नी होने वाला है इसी ट्रेन से जो कि रांची दुमका इंटरसिटी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी समय हो रहा है 5:03 और ट्रेन ये पहुँच चुकी है यहाँ पे जसीडीह जंक्शन में। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है और चलिए हम लोग इस पर चढ़ते हैं और काफ़ी खाली दिख रहा है, देख सकते हैं पूरा जो है ट्रेन आज खाली है। और इधर भी आप चेक कर लीजिए हर, ये देखो भाई साहब किस प्रकार जो है पटरी क्रॉस कर रही है ट्रेन, और इधर से देख लीजिए पूरा शानदार नज़ारा एकदम। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुमार डूबी और यहाँ पे देख रहे हैं जो ट्रेन का स्टॉपेज है अभी 10 मिनट का है और फिलहाल देख सकते हैं इधर बहुत सारा यात्री अभी चढ़ भी रहे हैं और यहाँ से उतर गए और अभी बहुत सारा जो है यहीं पे स्टॉपेज कर रहे हैं। और अभी हम लोग को जो है धनबाद जाना है तो अभी आधा घंटा का और सफ़र होगा। चलिए यहाँ से अभी जो है 39 किलोमीटर और है, चलिए चलते हैं और आपको देखिए। और ये ट्रेन देखिए इधर खुल चुकी है और चलिए इधर देखो जल्दी। फाइनली दोस्तों ये ट्रेन धनबाद जंक्शन पहुँच चुकी है और देख रहे हैं कुछ इस प्रकार यहाँ का दृश्य है। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग का ट्रेन जो है यहाँ पे खत्म हुआ और फिलहाल चलते हैं धनबाद जंक्शन से, अब फोटोग्राफर से उसके बाद जो है निकलेंगे फिर। और देख रहे हैं कितने सारे यात्री जो है अभी यहाँ से निकल के और जा रहे हैं अपने अपने लोकेशन पे, देख सकते हैं आप। देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार जो है कोयला लोड किया जाता है और ट्रकों के ट्रक आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों आ चुके हैं मनोज देखा जो यहाँ से उनका रोड क्रॉस होता है मेन रोड के किनारे से और आपको दिखाते हैं अभी किस प्रकार से आप उनका दुकान जा सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अभी इधर से आए झरिया तरफ से और चलिए यहाँ से ये प्रवेश करते हैं। ये देखिए फिलहाल दोस्तों अभी हमारे साथ न्यू आर के हैं रविंदर भैया, गुरु जी के पास आ रहे हैं, फिर गाड़ी जब पहुँचने वाले हैं देखते हैं कैसा कुछ रहता है उनका रिस्पॉन्स। जय श्री राम का दर्शन कीजिए, जय हो बाबा बजरंगबली, मिला दिया हमने के। और देख रहे हैं ऐसा कुछ इनका जाने का इधर रोड है, फिलहाल देख सकते हैं हम लोग भी जा रहे हैं। ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मेन रोड से अगर आप लोग निकलिएगा तो वही 700 से 800 मीटर दूरी पे है। ये देखिए भाई साहब ज्योति श्री महतो यानी कि मनोज दे का जो वाइफ है उन्हीं का ये घर है। फिलहाल सबसे पहले इनका ही घर का आपको दर्शन होगा, उसके बाद जो है मनोज दे भैया का। फिलहाल देख सकते हैं ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई साहब पिछले बार आए थे तो काम वगैरह चल रहा था ऊपर में, इस बार तो बहुत कुछ बदल चुका है। और उसका घर से ज्योतिश्री माता घर से जस्ट थोड़ा दूर में है, ये देखिए बगल में ही इसका घर है। तो क्यों गेट यहाँ पे खुला है लेकिन अंदर आना मना लिखा हुआ है, देख सकते हैं सामने इधर पूरा। मनोज दे से पहले एक आप लोग को सरप्राइज है दिखाते हैं। ये देखिए टाटा हैरियर किस प्रकार अभी गंदा हो चुका है, पूरा एकदम धूल पड़ चुका है उस पर, क्योंकि यहाँ से कभी कभी इनसे निकलते हैं तो वरना इनका जो है ये टाटा हैरियर यहीं पर रहता है। आप लोग का यकीन नहीं होगा, इसके नंबर दिखाते हैं, ये देखिए 0023 यानी कि आप लोग को अभी उल्टा दिख रहा है। देखिए झारखंड 10CG0023 जो कि इनका फेवरेट नंबर है और कितना इस पर धूल पड़ चुका है, देखिए पूरा देखिए आप लोग।
दोस्तों ये मनोज देखा घर है सामने, और इधर सामने देखिए ज्योतिश्री महतो का जस्ट सामने। ये देखिए आप जो ग्रीन मतलब हरा कलर का आपको जो दिख रहा है वो है, और फिलहाल ये देख सकते हैं आप लोग। अभी दोस्तों सर के द्वारा जो है 5 मिलियन का केक काटा गया है, और ये देखिए। थैंक यू सर। एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं आप? अनार। ये है हफ्ता में एक से दो बार एक पूरा अनार खाओ। ये अनार है ना लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग बनाता है पूरा शरीर का, जितना भी अपना जो जुड़िया है सब लीवर में से बनता है। इसलिए थैंक यू सर को जो कि अपने हाथों से केक खिलाए मुझे, और देख रहे 5 मिलियन के स्पेशल पे ये भाई के द्वारा लाया गया था केक। थोड़ा चखेंगे आपका? हाँ जरूर, मुबारक दे रहे हैं। थोड़ा है काफ़ी अच्छा लगा सर से मिल करके, ये सेकंड टाइम मीटअप मेरा हो रहा है। अब गोलू मनाए पार्टी अपना, क्या गोलू? चलिए सर पूछ लेना सर, एक बार बोल दीजिए कुछ सर। चलो थैंक यू, 5 मिलियन का सेलिब्रेशन हो गया मेरा। लो और खास बात है कि हम सब उन्हीं सर से सीखे हैं भाई, इतना दूर तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जो कि और जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, और ऐसे ही हम लोग और सपोर्ट करते रहेंगे भाई सर को। और चलिए हर 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 महादेव, देवघर आइए भैया, आपका मोस्ट वेलकम है, और स्टोरी एक बार जरूर लगाइएगा। चलिए देख सकते हैं दोस्तों एक बार जयकारा लगा दिया महादेव जी का, जो कि काफी हम लोग जुड़े हुए हैं एकदम शिव जी से, और एक चाचा जो है उधर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे थे, तो काफी अच्छा लगा। वो आपने आपके ऊपर आपका वीडियो देख के मैं वो सीखा था। अच्छा, जो नाम डालना लोगो डालना लोगो, हाँ लोगो, वो आपका वीडियो देख के वो बनाया था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा हम लोग का जो है मुलाकात हो गया मनोज भैया सर से, और अब जो है यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। काफ़ी वेट भी किया, कोई नहीं मिल गया, तो काफ़ी दिल का जो है अच्छा लग रहा है एकदम। तो मिल करके सामने से देख सकते हैं, पिछले बार तो कुछ बाहर में मिले थे, उतना अच्छा से ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे, लेकिन अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। और अब समझ सकते हैं कि 5 मिलियन जो इतना जल्दी कम्प्लीट हो गया, 2017 से इनका जो जर्नी था यूट्यूब का, तो अभी जो है काफ़ी अच्छा लगा कि अब जो है थोड़ा सक्सेस जो अब मिल रहा है, इतना अच्छा जो है इनका सपोर्ट हम लोग जो कर रहे हैं और सारे इनका वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप समझ सकते हैं कि झारखंड का हम लोग भी जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं, और झारखंड का नंबर वन यूट्यूबर जो हमारे मनोज भैया सर इस बार यहाँ पे उभर के आए हैं सामने, जो कि आप सभी को इतना मोटिवेट करते हैं हर एक वीडियो के माध्यम से। अभी दोस्तों सर ने जो है बाबा का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस प्रकार इनका जो वीडियो है वो शूटिंग होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और अंकल जी कहाँ से रहते हैं? महेंद्र कुमार इनका नाम है, गुजरात से बिलोंग करते हैं। अंकल जी पहले ये बताइए, आप इतना उम्र होने के बाद मतलब ये आइडिया कैसे आया कि हमको साइकिल भ्रमण करना है, कैसे इच्छा जारी हो गया? सालों से मेरी इच्छा थी, शिव जी का भक्त है, इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग आपको जो है कवर करना है ना। तो अभी आपने कहाँ से शुरू किया? काशी विश्वनाथ से शुरू किया। कितने ज्योतिर्लिंग अभी तक घूमे? साइकिल से 2 घूमा। तो साइकिल इतना बुजुर्ग है आप, फिर भी इतना एनर्जी ऊर्जा अभी के बच्चों में, तो मतलब समझ रहे ना, रात में लेट नाइट सोना, दिन में 12 बजे उठना, तो आपका इतना एनर्जी कैसे आ जाता है? मेरा जो शरीर है मैं हमेशा रेगुलर रखता हूँ, खान पान नियमित, सोना है। नियमित सोते हैं, सुबह जल्दी उठते भी, और कुछ करते हैं मतलब हेल्दी रहने के लिए? हाँ, तो ये प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, योगा करते हैं? योगा करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक। और खान पान कैसा रहता है? खान पान एकदम मेरा सादा रहता है, फ्रूट और ये सलाद ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, और ये जंक फूड बिल्कुल नहीं, मिठाई बिल्कुल नहीं। तो 71 साल आपको उम्र हो गया, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 3 बच्चे हैं। और बच्चे लोग के साथ ही आता है? अच्छा, और अभी जैसे आप घूमते हैं तो रहना खाना ये सब कैसे हो पाता है आपका? रहना खाना मेरा रास्ते में ढाबा है या किसी घर है, हाँ ऐसा है, वो बुजुर्ग है तो सेवा भावी, तो वो भी अपने घर खाना वाना खिलाते हैं, रात को रहने के लिए भी देते हैं। हाँ, नहीं तो धर्मशाला है, मंदिर है,
या फिर और भी कुछ नहीं मिलाता हूँ, पेट्रोल पंप का रात कपड़ा हो गया, ओढ़ने का हो गया, बिछाना हो गया, सब कुछ लेके घूमते हैं। तो इस साइकिल का वजन देख रहे हो भाई, कितना सामान ये लेके घूमते हैं, देखिए इतना बड़ा बैग है, 20-22 किलो होगा टोटल, 20-22 किलो हो जाएगा। देख रहे दोस्तों कैसे वीडियो का शूटिंग हो रहा है, और यहाँ फिर के यही वो सीढ़ी है जहाँ से सर 0 से लेकर 5 मिलियन का सफर रहा, यही से वीडियो क्रिएट करते थे। अभी आप देख रहे कितना कुछ बदल चुका है, और इनका मेन घर जो है अच्छा सा धनबाद सिटी में बन रहा है, क्योंकि मेन बाजार में, तो आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ जो है पूरा इनका जर्नी रहा। बहुत गरीबी थे, पिताजी जो है साइकिल रिपेयर करते थे, साइकिल पंक्चर बनाते थे, लेकिन अभी इनके पुत्र देख सकते कि इतना कुछ मेहनत किए, कितना दिन रात एक किए, तब जा कर के इनका जो है आज ये सक्सेसफुल देख कर के लोगों को जो है थोड़ा जलन भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये चलने लगेगा तो यूट्यूब पर पैसा नहीं जाएगा ना, तो डोनेशन वगैरह बहुत देता है, समझ रहे हैं लोग, ऐसे भी देता है पैसा। चलिए जय हिंद जय भारत, टाटा, बाय बाय, चलिए।